Hey all, welcome back to my channel, my snack box. आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे. ये देखिए, ये कितने स्मूथ आए हैं. और इसे आप अच्छे से बना के एंजॉय कीजिएगा. उससे पहले देख लेते हैं रेसिपी को. हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कप मैदा. अभी हम इसमें मिक्स करेंगे 2 स्पून सूजी. मैंने इसमें स्वादानुसार सॉल्ट भी ऐड कर लिया था. और अभी हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही. मैंने इसमें 1 स्पून शुगर भी ऐड कर दिया था. और अभी हम इसमें रिक्वायर्ड वाटर डाल के एक डो की तरह मिक्स कर लेंगे. अभी हम इस डो को 15 मिनट्स तक रेस्ट कर लेंगे. छोले बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन. उसमें हमने 2 स्पून ऑयल डाल लिया है और हमने बे लीव्स डाल लिए हैं. अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च. इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद अभी हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले. मसाले में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हम डाल देंगे इसमें 2 स्पून ऑफ चाट मसाला. आप अपने सारे मसाले स्वादानुसार डालिएगा. मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ऐड कर देंगे इसमें छोले. छोले को मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था. यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप छोले. अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी अच्छा आए. और इसे सिमर पे थोड़ा सा पकाएंगे. अभी चलते हैं भटूरों की तरफ. भटूरों का आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है. अभी हम इसके छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे. अभी हम इन लोइयों को अच्छे से ओवल शेप में बेल लेंगे. हमारे टेस्टी एंड डिलीशियस छोले भटूरे तैयार है. आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड इफ यू लाइक द रेसिपी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स.